वहीं दिल्ली फिल्मिस्तान अग्निकांड में सहरसा के मोहम्मद अफसाद की मौत हो गई है, जिसका शव पैतृक गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। सहरसा के कुल 8 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। उसका अपना जो है ना फोटो दिखाए, फिर ना मीडिया वाले ने हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया, हमको लिख के दिया जो 4 हॉस्पिटल के पास जो है ना सब रखा गया है, पेशेंट है, आप वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हो, आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे सहयोग मिलेगा। मैं गया फिल्मिस्तान हॉल के पास, वहाँ पे देखा आग लगा हुआ था, मैं ढूंढने की कोशिश किया, बहुत पुलिस वाले से भी पूछा, बोला भी बेटा कुछ नहीं बता सकता मैं, अपने आप ढूंढ लो मैं जाके। फिर मैं दिल्ली के अनाज मंडी में हुए भीषण अग्निकांड में ना जाने कितने ही परिवार को उजाड़ दिया है। इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के रहने वाले थे, जिसमें से समस्तीपुर के सिंगिया प्रखंड के 13 लोगों की जान चली गई। वहीं खासतौर पर हरिपुर गांव के 11 लोगों की जान चली गई, जिससे गाँव में हाहाकार मच गया है, जिसका शव गाँव पहुंच गया है और आज दफन किया जाएगा। बस्ती के तमाम लोग गम में डूबे हुए हैं और ये बहुत बड़ा हादसा है, ऐसा नागहानी हादसा है जिसका तस्वीर नहीं किया जा सकता। कब्र तैयार हो चुकी है और जनाजा की नमाज होगी, फिर सबको दफन किया जाएगा। दिल्ली में अनाज मंडी में आग लगने से बेगूसराय जिले के एक युवक की मौत हुई है और जिसका शव एम्बुलेंस के द्वारा गांव लाया गया था। युवक का शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मृतक नीरज कुमार का शव छौराही थाना क्षेत्र के बड़ीजाना गांव पहुंचा और इस मौके पर शव को रिसीव करने श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। 7 दिसंबर की रात फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की मौत हुई थी, उस मृतकों में नवीन कुमार भी शामिल था। अग्निकांड के बारे में धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई तो ये पता चला कि मेरे गांव का भी एक बच्चा नवीन कुमार राम, जो वहां मजदूरी करता था, वो भी उसमें झुलस के मर गया है। 8 तारीख से ही मेरे गांव में पूरा गमगीन का माहौल है। दिल्ली सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ घोषणा की गई है राशि के बारे में, लेकिन अभी तक परिवार को मिला नहीं है। बहुत ही गरीब फैमिली से है ये, जो ज़्यादा सहायता राशि हो सके मिलना चाहिए, हम लोग इसकी कामना करते हैं और दिल्ली सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने अपने स्तर से एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के बिहार तक पहुंचाया और फिर वहां से बेगूसराय के एम्बुलेंस के द्वारा लाश को अगर 9:10 पे